अच्छा स्टूडेंट 4.2 करने लगा हूं, कहता है 2 पॉइंट्स। अब आपने इसको 2 पॉइंट को फाइंड करना है ऑफ पी एंड ओ अरेंजमेंट गिवन द एक्स वाई को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फाइंड एक्स वाई। अच्छा जब कैपिटल एक्स फाइंड करना है ना, उसका फार्मूला होता है आपके सामने एक्स माइनस ए। जब कैपिटल वाई फाइंड करना है तो उसका फार्मूला वाई माइनस बी। ये फार्मूला आपने दोनों अच्छे याद करते हैं। अगर वो स्मॉल एक्स कहेगा फाइंड करो तो आप इधर से बनाएंगे, स्मॉल एक्स ऐसे ही रहेगा तो वाई उधर आके एक्स प्लस हो जाएगा। स्मॉल वाई फाइंड करना होगा तो कैपिटल वाई प्लस के। ये फार्मूले आपने याद रखे हैं स्टूडेंट तो आप 4.2 फिनिश कर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, सर पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने फाइंड जो कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है तो आपको दो पॉइंट दे देगा पी। आपको क्या दिया गया है 3 और 2 और ओ डैश 1 और 3। अच्छा जो ओ डैश होता है उसका जो पहला होता है वो एच होता है, जो बाद वाला हो के होता है, और जो पी वाले पॉइंट होते हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। अगर आपने कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है, अगर आपने स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है तो कैपिटल एक्स वाई आएगा और एच के वो ऐसे ऐसे ही रहेगा। मसलन मिसाल के तौर पर मैं कैपिटल एक्स फाइंड करने लगा हूँ पहले क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है एक्स आपको दे देगा ये 3 माइनस एच क्या 1, तो आपका ये क्या आ जाएगा 2 आ गया। ऐसे ही वाई फाइंड करना है तो आपको 2 दिया गया 2 माइनस 3 तो ये माइनस 1। इस तरह आपने पहला क्वेश्चन सारा ऐसे ही सॉल्व करना है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि आपने फाइंड स्मॉल एक्स और वाई, इधर फाइंड क्या किया आपने कैपिटल एक्स और वाई। अच्छा जब आपने स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के। अब मैं वैल्यू लेता हूँ, जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ले लिया है तो उसने पी आपको दे दिया गया पी इज इक्वल 8, 10 और उसके बाद ओ डैश आपको दे दिया गया है 3, 4। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, अब ये आपके सामने कैपिटल एक्स और वाई है और ये आपके सामने एच और के ही है। अब है कैपिटल एक्स प्लस एच के आपके पास 3 तो ये आपका 11 आ जाएगा। इस तरह कैपिटल 4 प्लस के तो ये वाई क्या है आपका 10 और प्लस 4 ये 14 आ गया। इस तरह आपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया इसका स्टूडेंट। इस तरह आप 4.2 सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपकी 4.2 भी सॉल्व हो गई है स्टूडेंट। तो आपको समझ आ गई है 4.2, ये स्टूडेंट आपकी 4.2 थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।